हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ग्लैंडुला टैबलेट्स के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। ये देखिए ग्लैंडुला टैबलेट्स है और इसको होम्योपैथिक मेडिसिन इस पे नीचे लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 25 ग्राम, और बीटी कंपनी इसको बनाती है, यानी जो बनाने वाली कंपनी है वो बीटी कंपनी इस कंपनी का नाम है। तो गाइस, इसको बताने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाया करे। और इसको लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और दूसरे लोगों को भी फायदा मिले। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लेना कब होता है, जो ग्लैंडुला टैबलेट्स है इसको लेना कब है। तो इसको लेना तब होता है जब आपकी ग्लैंड्स में स्वेलिंग हो जाए, यानी कि लिम्फ नोड्स में भी कभी कभी स्वेलिंग हो जाती है, चाहे ग्लैंड्स में भी स्वेलिंग हो जाती है, जैसे लाइक्राइमल ग्लैंड्स है कभी यहाँ पे हो जाती है, कभी कभी लिंगुअल ग्लैंड्स होती है यहाँ पे हो जाती है, जैसे यहाँ पे लगता है गिल्टी हो गई है, इस तरह की अगर समस्या है, चाहे अगर शरीर में कहीं भी आपकी ग्लैंड्स बन गई है, यानी कि ग्लैंड्स में स्वेलिंग हो गई है, प्रोस्टेट ग्लैंड की भी सूजन में इसको दिया जाता है। जब भी अगर गिल्टी हो जाती है, आपको लगता है कहीं भी चमड़ी पे गिल्टी हो गई है और स्वेलिंग हो गई है, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट्स को देना बहुत ही बेहतरीन साबित होता है। यानी कि जब भी आपकी ग्लैंड्स में स्वेलिंग हो जाए और उसके साथ साथ दर्द हो तो आप इसको ले सकते हैं। अगर दर्द नहीं है तो भी लेना होता है, और दर्द है तो भी लेना होता है। इसमें मैं आपको बता दूं, जो आपकी ग्लैंड्स होती है, कहीं भी आपकी गिल्टी अगर हो गई है और वो, लेकिन डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी होता है कि गिल्टी है यानी कि ग्लैंडुलर स्वेलिंग है, या फिर कभी कभी होता है लाइपोमा। तो लाइपोमा कंडीशन में देंगे तो फायदा नहीं होगा। आपको अगर गिल्टी हुआ है, ग्लैंड्स में स्वेलिंग है, तो उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन टैबलेट्स है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए, इसको आपको मैं कंपोजिशंस की बात करूं। इसमें जो कंपोजिशंस डली हुई है, यानी जो मेडिसिंस इसमें पड़ी हुई है, उसमें मेडिसिंस है पहली फाइटोलक्काडी। फाइटोलक्काडी बहुत ही अच्छी होती है गिल्टी के लिए। कैल्केरिया फ्लोर, कैल्केरिया फ्लोर भी सब लोग जानते हैं, कैल्केरिया फ्लोर गिल्टी के लिए बहुत अच्छी है। कोनियम मैक ऐसी दवा है, अगर गिल्टी में दर्द हो तो उसको देने से बहुत ही अच्छा फायदा होता है। बराइटा कार भी गिल्टी के लिए बहुत बेहतरीन है। तो इसमें जो बेहतरीन मेडिसिन है वो सब इसमें डली हुई है। उम्मीद करता हूं कि अगर आपकी गिल्टी हो गई है, यानी ग्लैंड्स में स्वेलिंग हो गई है, तो आप इसको लेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसकी डोज की बात करें तो 1-2 टैबलेट, यानी कि 1-2 गोली आपको लेना है सुबह शाम। यानी कि एडल्ट हैं आप, जैसे बड़े हैं तो आपको 2 गोली लेना होता है, यानी 2 गोली सुबह में, 2 गोली दोपहर में, और फिर 2 गोली शाम को लेना होता है। लेकिन अगर बच्चे हैं, जैसे बच्चों में कभी कभी होता है कि हो जाती है गिल्टियां, या फिर उसमें ग्लैंड्स में स्वेलिंग आ जाती है, तो उस कंडीशन में बच्चों को 1 गोली देना होगा, यानी 1 गोली सुबह में, 1 गोली दोपहर में, और 1 गोली शाम को, 3 टाइम देना होगा। इस पे लिखा हुआ है स्टोरेज, स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेसेस, यानी सूखी जगह पे और ठंडे जगह पे रखना होगा। इंडिकेशंस इस पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, जो इस पे इंडिकेशंस लिखा हुआ है, ये हार्मलेस रेमेडी, यानी कि ये नुकसान देह नहीं मेडिसिन है, यानी कि मेडिसिन नुकसान नहीं करती है फॉर ट्यूमर लाइक ग्लैंडर, यानी कि हार्मलेस रेमेडी फॉर ट्यूमर लाइक ग्लैंडुलर स्वेलिंग एनी वेयर ऑन होल बॉडी, यानी आपके बॉडी पर कहीं भी स्वेलिंग हो गई है, ग्लैंडुलर स्वेलिंग है कहीं भी, तो उसके लिए आप लेंगे। दिया है कि ग्लैंड्स इनलार्ज्ड, यानी ग्लैंड्स बड़ी हो गई है, जब आपकी ग्लैंड्स बढ़ के बड़ी हो गई है तो भी आप इसको लेंगे, बहुत रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। एंड लिखा हुआ है इंड्यूरेटेड, इंड्यूरेटेड मीन होता है स्वेलिंग, अगर आपकी ग्लैंड्स में स्वेलिंग हो गई है, उस पे रेडनेस है, दर्द है, तो भी आप इस टैबलेट को लेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए, इसके एमआरपी की बात कर लेते हैं। तो इसकी एमआरपी है 155 रुपए, यानी कि 155 रुपीज की इसकी प्राइस है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है जून 2020, और यहाँ से आपकी 5 साल की एक्सपायरी है, यानी कि 25 तक। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये टैबलेट्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। अगर जिसको भी गिल्टी हुई है या फिर ग्लैंड्स में स्वेलिंग हुई है, तो इस टैबलेट को जरूर आजमाइएगा और दूसरे लोगों को भी बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।